त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, हम कपड़े धारण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, और वस्त्रों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि धारण करते समय याद आता है कि फला स्थान का कोई बटन टूट गया था और वो उस समय ध्यान था, पर इसके बाद में धुल गया, धुलने के बाद में प्रश हो गया, अब हम इसको पहनेंगे तो इसमें बटन हम लगा लें। परंतु वो बटन जब तक अपने सही स्थान पर नहीं लगेगा तो आपको अपशगुन होगा, शुभ संकेत नहीं होगा, गलत ही उसका परिणाम होगा। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में, कोट में, कमीज में या अन्य किसी कपड़े में गलत बटन यदि लग जाए तो उस दिन थोड़ा सा सोच समझ करके काम को करना चाहिए। और दूसरे दिन घर आइएगा, शाम को घर आइएगा, तो क्या करना कि उस बटन को निकाल देना है और उसका जो सही स्थान है उस स्थान पर उस बटन को लगाना है। जब आप लगाएंगे तब आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। इसके द्वारा सीधे काम उल्टे हो जाते हैं। हम करने के लिए कुछ जा रहे हैं, हो कुछ गया, क्योंकि जब वो बटन अपने स्थान पर नहीं है तो वो हमको परिणाम भी अच्छा नहीं देगा। कहने का अभिप्राय यही है कि बटन स्थान पर होना चाहिए। जल्दबाजी में किया गया प्रत्येक काम गलत होता है। इसके दुष्प्रभाव के कारण से बचने के लिए कपड़ों को उतार कर सही बटन लगाना चाहिए, सही जगह पर उसको लगाना चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ एक बात मैं और आपको बताऊं, बटन से ही जुड़ी, कि कहीं रास्ते में चलते चलते आपको कहीं पे पड़ा हुआ बटन मिल जाए। रास्ते में चलते हैं तो दिखाई पड़ जाता कहीं पे ये बटन पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, यह आपको किसी नए मित्र से मिलाने का संकेत दे रहा है कि आपसे किसी नए मित्र मिलने वाले हैं, तो इस तरह का ये संकेत दे रहा है। तो बटन के विषय में मैंने आपको बताया। अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे संपर्क करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।